नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस Q&A वीडियो में। जो सवाल आपने पूछे हैं हैशटैग गगन भाई लगा के ट्विटर और यूट्यूब पे, मैं उनका आंसर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले दो तीन चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महिंद्रा एल्टुरस G4 की वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। सब लोगों को एक साथ जो है थैंक यू बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको बोलता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों की जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स था वीडियो में वो देख के। उसके बाद में आज जो है Q&A वीडियो में क्वेश्चंस कम रखे गए हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं गाड़ियों से रिलेटेड। तो बस ये दो चीज़ें थी, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विनायक जी की ओर से। ये कहते हैं, गगन भाई, आई वॉन्ट टू बाय वर्ना S6 पेट्रोल ओवर होंडा सिटी पेट्रोल ड्यू टू इट्स लुक्स एंड फीचर्स, डज इट वर्थ? विनायक जी, डेफिनेटली अगर आप वरना लेना चाहते हैं होंडा सिटी पेट्रोल की जगह, आप क्योंकि आपको फीचर्स और लुक्स पसंद है उसके, तो ले सकते हैं। हम आमतौर पे, मतलब मैं और जितने भी और लोग जो हैं वो आमतौर पे होंडा सिटी पेट्रोल को तवज्जो इसलिए दे देते हैं क्योंकि उसका पेट्रोल इंजन जो है थोड़ा बेटर हमें लगता है काफ़ी सारी चीज़ों के मुकाबले वरना के मुकाबले, तो इसलिए हम थोड़ा रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी बेकार है या पेट्रोल इंजन बेकार है। इनफैक्ट ह्यूंडई वरना जो है अभी के वक्त में डीजल से ज़्यादा पेट्रोल सेल कर रही है, तो कुछ भी बुराई नहीं है। अगर आपको पसंद आ रही है वरना सिटी की जगह, तो आप वरना ले सकते हैं। कोई भी ऐसा मैं मना यहाँ पे नहीं कर रहा। उसके बाद में सवाल है अंकित जी का। अंकित जी कहते हैं, गगन भाई, व्हाट इज यूरो 3? इज इट BS4 और BS3? प्लीज डोंट इग्नोर दिस टाइम। एंड आई वॉन्ट टू सेल माई ह्यूंडई i10 2012 मॉडल एंड वॉन्ट टू बाय नेक्सॉन XC। कैसी गाड़ी है भाई ये XC नेक्सॉन? अंकित जी, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, यूरो 3 क्या है, वो BS3 है या BS4 है? सर देखो, वैसे तो यूरो 3 और BS3 को डायरेक्टली कम्पीट करना जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन कॉम्पिटिशन दो तरीके से आ जाता है। पहला तो हमारी नॉलेज ऐसे रहती है कि यार यूरो 3 BS3 3-3 है तो वैसे सेम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअल में इंडिया के जो BS3 नॉर्म्स या BS4 BS5 BS6 नॉर्म्स, BS5 तो स्किप कर दिया गया है, भारत स्टेज 3-4 जो भी नॉर्म्स है वो उनका रेफरेंस जो है वो यूरो 3 यूरो 4 उनसे लिया जाता है। तो हाँ, आप यूरो 3 को या यूरो 4 जो है यूरो 3 को BS3 से कंपेयर कर सकते हो। हालांकि नॉर्म्स में छोटा मोटा अप डाउन होता है, मोस्टली डाउन ही होता है। इंडिया के नॉर्म्स थोड़े से लूज होते हैं कंपेयरिंग टू यूरो नॉर्म्स। अभी इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर कोई इंजन यूरो 6 मीट कर रहा है तो वो डेफिनेटली BS6 में जाएगा क्योंकि BS6 नॉर्म्स थोड़े से कम ही होते हैं, मतलब थोड़े इजी होते हैं यूरो नॉर्म्स से, तो वो चीज़ यहाँ पे है। फिलहाल हम BS4 पे हैं और वो यूरो 4 के इक्वली है। अब हम सीधा जो है BS5 स्किप करके BS6 पे अभी तक तो ये प्लान है। बाकी तो सरकारें जो है कुछ भी कर सकती है, सरकार बदले तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो गवर्नमेंट का डिसीजन यही है और जो है मैन्युफैक्चरर को यही निर्देश है कि अब सीधा जो है हमें BS6 पे जाना है जो कि यूरो 6 के इक्वल होगा। इसी वजह से मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जो है वो क्लियरली मेंशन करने लगे हैं कि हमारा इंजन जो है यूरो 6 कंप्लाइंट है और वो BS6 कंप्लाइंट भी होगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एल्टुरस जो लॉन्च हुई थी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था और कहा था कि हमारा इंजन जो है वो यूरो 6 इमिशन स्टैंडर्ड पे आता है, तो वो BS6 नॉर्म भी क्लियर करेगा। तो ये चीज़ है। बाकी आपका दूसरा सवाल है कि आप ह्यूंडई i10 2012 मॉडल जो है वो बेचकर नेक्सॉन XE लेना चाहते हैं। सर आपने मेंशन नहीं किया कि आप डीजल लेना चाहते हैं पेट्रोल, तो मैं थोड़ा सा और इनसाइट दे पाता। खैर फिलहाल आपने XE कहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बजट बैठता है तो आप XM पे जंप कर जाइए, XM जो है उस पे जंप कर जाइए। ऐसा नहीं कह रहा कि XE बिल्कुल ही मत खरीदिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप XM पे जंप करें, आपको रिग्रेट नहीं होगा उस चीज़ का। अगला सवाल जो है वो है इले, सर आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा, तो आई एम सॉरी। ये कहते हैं, गगन भाई, हेलो भाई, मुझे ये पूछना था कि कोई भी गाड़ी अभी न्यू मॉडल आया है और उसका पुराना मॉडल अभी भी शोरूम में पड़ा हो, तो हमें ओल्ड मॉडल पे कितना डिस्काउंट मिलने पर ओल्ड मॉडल खरीदना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अमेज, एस्पायर, डिज़ायर। सर 2 से 3 चीज़ें जो है इसमें क्लॉज हो जाते हैं। पहला चीज़ तो ये कि नए और पुराने मॉडल में फ़र्क कितना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपनी i20 ली थी, मेरे पिताजी ने ली थी, उस वक्त i20 का नया मॉडल ऑलमोस्ट आ गया था और नए मॉडल में 6 एयरबैग थे 2 की जगह और सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट होती थी और ऑटोमेटिक डोर लॉक थे। अभी ये जो डिफरेंस है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर मैं 10 से 15 हज़ार का डिस्काउंट कंपनी से ले सकता था, ठीक है।
लेकिन फॉर एग्जांपल आपने जैसे मेंशन किया है अमेज एस्पायर डिज़ायर, तो हम अभी लेटेस्ट एंट्री डिज़ायर या अमेज को एस्पायर को पकड़ लेते हैं, लेटेस्ट एंट्री वही है। अभी एस्पायर में जो है एक नया इंजन है पेट्रोल में, एक नया गियर बॉक्स है और काफ़ी सारे फीचर्स है जैसे पार्किंग कैमरा और वो एंड्रॉयड ऑटो वगैरह टस्किन, तो काफ़ी मेजर अपग्रेड है। इस सिचुएशन में जो है गाड़ी पर आपको पुराना एस्पायर अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनफैक्ट कुछ कुछ डीलर्स ने लगभग 1 लाख का डिस्काउंट टॉप एंड वेरियंट पर ऑफर किया है। तो फर्क काफी चीजों से आता है, डिपेंड करता है कि मॉडल कितना पुराना है, डिपेंड करता है कि नए वाले में कितने बड़े चेंजेस आए हैं, तो और इनफैक्ट नए वाले की प्राइस बढ़ी है या कम हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देता हूं, i20 स्पोर्ट्स जो है उसका बीच में एक मिड लाइफ छोटा सा अपडेट आया था, तो i20 स्पोर्ट्स में से 3-4 क्रूशियल फीचर जो है वो हटा दिए गए थे। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक एसी हटा दिया गया था, उसमें से रिवर्स पार्किंग कैमरा हटा दिया गया था और उसमें कुछ एक दो फीचर्स और जो है कम कर दिए गए थे i20 स्पोर्ट्स में। अब कोई बंदा अगर पुराना वेरिएंट उस समय खरीद रहा था तो उसको पुराना वेरिएंट जो है एक्चुअल में 5 से 6 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा प्राइस पे मिल रहा था, लेकिन वो वर्थ इट था पुराना वेरिएंट क्योंकि उसमें फीचर्स ज़्यादा थे। तो वो सीन यहाँ पे जो है वो रहता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके सिनेरियो में। मैं अभी तक यही कहूँगा कि इन तीनों गाड़ियों में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट जो है आप मांग सकते हैं, बाकी अलग अलग डीलर्स पर ट्राई कीजिए, वो एक बेटर ऑप्शन होता है। उसके बाद में अगला सवाल जो है वो है इश कथूरिया जी का, ये कहते हैं गगन भाई प्लीज़ रिप्लाई व्हाट इज़ इंजन रीमैपिंग, इंजन रीमैपिंग क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा है करवाने का, और ECU अपडेट क्यों करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए और लोकल गैराज से हो जाता है क्या ये दोनों काम और क्या फ़ायदा है इसका, प्लीज़ रिप्लाई। सर देखो पहली चीज़ तो इंजन रीमैपिंग या ECU रीमैपिंग जो है वो 2-3 अलग अलग चीज़ों की वजह से की जाती है। कुछ लोग फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग गाड़ी की पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी मैन्युफैक्चरर्स जो है इंडिया में क्लियरली कहते हैं कि आप किसी भी तरीके की छेड़खानी अगर ECU से करते हो या इंजन से करते हो तो हम आपकी वारंटी ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ है पहली, तो आप अगर चाहते हो करवाना तो ये देख लो कि वारंटी ख़त्म हो रही है आपकी, तो क्या आपको वर्थ लगता है या नहीं ये सब करवाना। अगर आपको लगता है कि हाँ यार जाने दो वारंटी मेरे को तो करवाना है, तो मोस्टली जो रीमैपिंग होती है वो वर्थ इट मुझे लग रही है अभी इंडिया में जो अवेलेबल है, चाहे वो इकोस्पोर्ट के साथ में कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो पोलो के साथ में कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो रीमैपिंग करवा के जो अपनी पावर बढ़ाते हैं और माइलेज में थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है लेकिन पावर में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, उनको बेटर फील हो रहा है तो करवा सकते हैं आप। दूसरा आपका सवाल था कि ECU अपडेट, हम मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स अपडेट निकालते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरर्स या कुछ गाड़ियों के अपडेट्स जो है बाहर से भी किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि वो जो है उनके अपडेट्स के क्लोन जो है मोस्टली लोकल मैकेनिक के पास होते हैं और वो उसे अपडेट कर देते हैं आपकी कार को। अभी ECU अपडेट करवाना जो है एक अच्छी चीज़ है, कई गाड़ियां जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स पता चलने लगती ओवर द टाइम, तो उसके बाद में ECU अपडेट से वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। ECU अपडेट आप करवा सकते हैं और बाहर भी अगर मिल रहा है, ट्रस्टेड बंदा कोई कर रहा है तो आप करवा सकते हैं। रही बात इंजन रीमैपिंग, ECU रीमैपिंग जो है, रीमैपिंग एक डिफरेंट सिनेरियो है क्योंकि उससे परफॉर्मेंस या किसी ना किसी चीज़ पर असर पड़ता है, तो वो आप सोच समझ के करवाएं। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है आशु जी का, ये कहते हैं अगर इज इट गुड टू बाय डिसकंटिन्यूड बाइक बाय द कंपनी। ओके डिसकंटिन्यूड बाइक बाय द कंपनी, सर डिसकंटिन्यूड बाइक का कोई रीसेंट एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है सच, बट 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो क्या उस बाइक के पार्ट्स अभी भी अवेलेबल है, इस चीज़ पे डिसकंटिन्यूड बाइक जो है वो उसका मतलब मेजर कंसर्न रहता है। फॉर एग्जांपल अभी लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बजाज डोमिनार जो है उसका नॉन ABS वेरिएंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन मोस्टली पार्ट एक ABS के अलावा मोस्टली पार्ट जो है डोमिनार शेयर ही करती है नॉन ABS और ABS वेरिएंट में, तो पार्ट्स उसके अवेलेबल अभी भी मिल रहे हैं लेकिन आप डिसकंटिन्यूड बाइक खरीद सकते हैं। कुछ बाइक्स ऐसी जो परमानेंटली मार्केट से वॉश आउट हो रही है क्योंकि उन्होंने सेल अच्छी नहीं की थी, तो वहाँ हो सकता है आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में जो है आपको डिसीजन जो है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कुछ डिस्क बाइक ऐसी होती है जिनकी पार्ट शेयरिंग बहुत हैवी होती है, फॉर एग्जांपल अगर स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर के 2-3 वेरियंट आते हैं प्लस प्रो, तो कोई एक वेरियंट अगर गलती से डिसकंटिन्यू करने की सोच ले कंपनी तो क्या होता है मोस्टली पार्ट्स की दिक्कत आती नहीं है तो लोग फिर भी खरीदते रहते हैं, वो वाला सीन होता है। आपको ये देखना है अगर आपने मॉडल लिखा
लिखा होता कि कौन सी बाइक जो है आप खरीदना चाहते तो मैं देखता, लेकिन क्योंकि आपने नहीं लिखा है तो मैं ये कहूँगा आप अपने हिसाब से जज करें कि उसके पार्ट्स वगैरह आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। बाइक्स वगैरह के केस में ऑफिशियल सर्विस सेंटर से सर्विस कराना वगैरह का इतना लोड नहीं है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा कुछ बड़ा आप खर्चा उसमें नहीं करवाना होता है, तो वो चीज़ है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। गौरव यादव कहते हैं, गगन भाई आप कहते हैं कि इंडिया में मॉडिफिकेशन इलीगल है, पर महिंद्रा क्यों अपनी थार में मॉडिफिकेशन क्या ऑप्शन देती है? ऑप्शन देती है एलईडी बार, मोटे टायर एटसेट्रा। ओके सर, पहली चीज़ तो महिंद्रा जो है मतलब कंपनीज जो है मॉडिफिकेशन करती है वो एक मतलब पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से करती है। अभी महिंद्रा की डेफिनेटली महिंद्रा थार के कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं जिनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखते हैं, वो सारे गाइडलाइंस के तहत होते हैं। अपनी हेडलाइट जो है उसको एक हाइट से ऊपर आप नहीं लगा सकते, एक हेडलाइट की एक इंटेंसिटी होती है उससे ज़्यादा आप बड़ी हेडलाइट नहीं लगा सकते, ये कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो जब भी मैन्युफैक्चरर खुद मॉडिफिकेशन करने बैठता है तो सारे नियम कायदे लेके बैठता है, और अगर आप मैन्युफैक्चर के दिए हुए मॉडिफिकेशन की गाड़ी खरीदते हो तो वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन में काउंट नहीं होती है, बल्कि वो एक नया मॉडल काउंट होता है। फॉर एग्जांपल टाटा टियागो और टाटा टियागो एनआरजी, अभी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ छोटे मोटे इधर उधर चेंजेस किए गए, तो वो मॉडिफिकेशन आप उसे कह सकते हो, वो मॉडिफिकेशन कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कंपनी ने दिया है तो वो एक प्रॉपर मॉडल है, क्योंकि उसमें सारे ऑलरेडी जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। और रही बात ये कि आपने लिखा है एलईडी बार, एलईडी बार सर बहुत मार्केट में अलग अलग तरीके के अवेलेबल होते हैं, महिंद्रा खुद जो है वो बड़े एलईडी बार ऊपर लगा के ऐसे नहीं देगा आपको, क्योंकि एक सर्टन हाइट से ऊपर जो है आप लोग नहीं लगा पाते, हो सकता है कोई डीलर उन्हें लगा के देता रहे वो बात अलग है, लेकिन महिंद्रा ऑफिशियली कंपनी मतलब फैक्ट्री से ऐसी गाड़ी नहीं निकालेगा, ये चीज़ भी आप ध्यान दें। उसके बाद में अगला सवाल है कौशल पटेल जी का, कहते हैं गगन भाई मारुति सुजुकी बलेनो आरएस जो है वो टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आती है पर उसका इंजन 1 लीटर क्यों है बल्कि कंपनी ने अपने 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में भी टर्बो लगवा सकती थी। हाँ, और ये बात फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी अप्लाई होती है, सो प्लीज़ आंसर कि कंपनी टर्बोचार्जर लगवाती है तो इंजन छोटा क्यों रखती है? वेरी गुड क्वेश्चन कौशल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो प्रॉपरली आंसर कर देते हैं अभी वीडियो में जो इतना टाइम लंबा नहीं हुआ होगा। देखो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ टर्बो चार्जर लगाने का मतलब है कि आप छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकालना चाहते हैं, तो बेसिक चीज़ तो वही है कि एक छोटा इंजन में ही ज़्यादा पावर निकालनी है तो टर्बो चार्ज यूज़ करो, प्लस थोड़े से उसकी टर्बो चार्जर की वर्किंग, उस इंजन की वर्किंग जो है थोड़ी मज़ेदार होती है, इसलिए प्रेफर ये करता हूं बड़े इंजन में टर्बो लगा के आपको कितना क्या निकालना है, स्पोर्ट्स कार तो बनानी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि 1 लीटर की बजाय 1.2 लीटर में भी टर्बो चार्जर फिट करके कंपनी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए गए दोनों एग्जाम्पल जो है वो ऐसी गाड़ियों के हैं जो कि इंजन इंडिया में बन ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल मारुति जो है वो 1.2 लीटर इंजन जो है उसका टर्बोचार्ज वेरिएंट तब निकालती जब वो उनको इंडिया में बनाना होता है, वो इंडिया में नहीं बना रहे हैं, उनके पास इंटरनेशनल इंजन एक पड़ा था जो कि बूस्टर जेट नाम से आता है 1 लीटर का, जिसमें टर्बोचार्ज आता था, तो उसे वो इंडिया में ले आते हैं और यहां पर असेंबल करके गाड़ी में लगा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फोर्ड इकोस्पोर्ट का, वो भी इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, वो भी बाहर से आता है असेंबल करके लगा दिया जाता है। आपको एग्जाम्पल अगर लेना है तो आप लीजिए 1.2 लीटर जो टिगोर का इंजन है, वही नेक्सॉन में आ रहा है टर्बोचार्जर फिट होके, ठीक है, वही टियागो जेटीपी में आ रहा है टर्बोचार्जर फिट होके, वही टिगोर जेटीपी में आ रहा है टर्बोचार्जर फिट होके, तो मैन्युफैक्चरर्स को कोई दिक्कत नहीं है अपने एग्जिस्टिंग इंजन में टर्बोचार्जर लगा के करने की, लेकिन आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल जो इंजन आते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड उसके मुकाबले टर्बोचार्जर इंजन जो है छोटा होता है, क्योंकि वो छोटा होने के बावजूद ज़्यादा पावर दे देगा, तो बस वो है। बाकी ये 100-200 सीसी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर 1.2 में टर्बोचार्ज लगा के करते तो हो सकता है उन्हें पावर में इतना बम्प अप नहीं मिलता, तो मतलब क्या वो रीज़न था, मतलब छोटा रखोगे और टर्बो घुसा के ज़्यादा मतलब एयर फ्यूल कंप्रेस करके ज़्यादा पावर निकाल रहे हो तो बेटर ऑप्शन है ना आपके पास, वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी तो बस यही है फिलहाल इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। थोड़े से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस शेयर अगर आप कर सकें या कमेंट्स वगैरह कर सकें तो वो एक बेटर चीज़ होगी, क्योंकि YouTube जो है वो इतनी सारी वीडियोस आजकल डेली आती है तो अच्छा काम किया हुआ दब सा जाता है थोड़ा। बाकी तो कुछ नहीं है फिलहाल दोस्तों, इतना ही है वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।